नमस्कार मित्रों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में मित्रों आप सुन रहे हैं राजवंशी द्वारा लिखित प्रसिद्ध रोमांटिक उपन्यास अभिशाप का दूसरा भाग सुबह का समय था राजा राम बैंक जाने के लिए तैयार हुआ और जो ही कमरे से निकला बरामदे में आते निखिल को देखकर वह रुक गया निखिल समीप आकर पिता के चरणों में झुका किंतु राजाराम फुर्ती से पीछे हटा और घृणा में बोला कोई आवश्यकता नहीं मेरे पाँव छूने की मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे यह गंदे हाथ मेरे पाँव को स्पर्श करें पापा तुम्हें जरूरत भी नहीं यहाँ आने की ना ही यह तो घर तुम्हारा है और ना ही इस घर में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसे तुम अपना कह सको जाओ चले जाओ यहां से मैं कहता हूँ जाओ और कभी भूलकर भी इस और आने की कोशिश ना करना पापा दयनीय स्वर में निखिल बोला आज मेरा जन्मदिन है राजाराम क्रोध से चीख पड़ा झूठ बोलता है तू तेरा जन्म ही नहीं हुआ तो जन्मदिन कैसे हो सकता है और यदि तेरा जन्म हुआ भी था तो बोल बोल किसकी कोख से तेरा जन्म हुआ था कौन वह पिता था जिसने तुझे बाहों के झूले में झुलाया था कौन बहन थी तेरी जिसने तेरी कलाई पर राखी बांधी थी कौन भाई था जो आयु में बराबर का होते हुए भी तेरे पांव छूता था बोल था कोई तेरा ऐसा सब थे पापा और आज भी सब हैं नहीं निकल नहीं आज तो उन सबसे दूर हो चुका है दौलत की बहुत ऊंची दीवार खड़ी की है तूने हमारे और तेरे रास्ते में मेरे पास जो कुछ है सब आपका ही तो है क्या है तेरे पास करोड़ों की दौलत किंतु जिसे तू दौलत कहता है वह हमारी नज़रों में हराम की कमाई है जरूर तूने किसी बैंक को लूटा है जरूर तूने किसी का खून किया है या फिर तू तस्करी करता है नहीं चाहिए हमें तेरी दौलत निखिल की आंखें डबडबा आईं उसने आंखों से देखा द्वार के पास उसकी माँ कौशल्या भाई एवं दोनों बहनें खड़ी थीं राजाराम दिल का मरीज था वह आवेश को सह ना सका और उसने जल्दी से पीछे हटकर दीवार का सहारा ले लिया यह देखकर निखिल का छोटा भाई अखिल आके आया और निखिल से बोला जाइए भाई साहब और इस घर की बची खुची शांति को भंग मत कीजिए आपको देखते ही पापा की तबीयत बिगड़ जाती है और फिर इन्हें दो तीन दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है अखिल भर्राए स्वर में निखिल ने पूछा क्या क्या दूसरों की तरह तू भी मुझे गलत समझता है आप अच्छे ही कब हैं क्या अच्छे लोग तस्करी करते हैं बैंक लूटते हैं डाके डालते हैं अखिल मैं सच कहता हूं मैंने कोई बैंक नहीं लूटा बैंक नहीं लूटा तो इतनी दौलत आई कहां से दौलत दौलत निखिल झुंझुला चीख पड़ा मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोगों को दौलत से इतनी घृणा क्यों है और यदि घृणा है तो पापा सुबह से शाम तक बैंक में नौकरी क्यों करते हैं आरती पढ़ाती क्यों है मम्मी आया की नौकरी क्यों करती हैं और भारती दीदी विवाह के पश्चात घर क्यों बैठी है दौलत सिर्फ़ दौलत अखिल तुम लोग दौलत कमाने के लिए बाहर निकलते हो तुम लोग महीने में चार दिन इसलिए भूखे सोते हो क्योंकि तुम्हारे पास दौलत नहीं है दौलत के महत्व को समझो अखिल इसकी आवश्यकता को समझो इसके बिना संसार में कुछ नहीं गरीब से कोई प्यार नहीं करता गरीब की कोई इज्जत नहीं करता निर्धन लोग विद्वान होते हुए भी मूर्ख समझे जाते हैं और सज्जन होकर भी दुर्जन कहे जाते हैं इसलिए प्यार करो दौलत से यह मत सोचो कि वह आती कहाँ से है आती है तो उसका स्वागत करो आरती उतारो उसकी तुमने मेरा एक वर्ष पहले का समय देखा कॉलेज से निकाल दिया गया था मुझे कॉलेज की फ़ीस नहीं दे पाया था मैं जिन साथियों को मैं अपना मित्र कहता था उन्होंने मुझे पांच रुपये भी उधार नहीं दिए थे और स्वयं गोपीनाथ जिनकी लड़की मुझसे मिले बिना एक दिन भी नहीं रह सकती थी उसने मुझे ठोकर मार दी मिलना छोड़ दिया मुझसे घृणा की और यह सब यह सब इसलिए हुआ अखिल क्योंकि उस वक्त मेरे पास चरित्र भी था ईमान भी था किंतु दौलत नहीं थी और अखिल चुप ना रहा और बोला आज आपके पास सिर्फ दौलत है चरित्र और ईमान नहीं कौड़ियों के मोल बिकता है इस संसार में चरित्र नोटों की गड्डियां हो तो ईमान सरेआम खरीद लिया जाता है आश्चर्य है कि तुम ऐसे चरित्र और ईमान की तुलना दौलत से कर रहे हो मैं आपसे बहस नहीं करता भाई साहब मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम लोग अपने आदर्शों को नहीं त्याग सकते हमें अपना चरित्र और अपना ईमान संसार भर की दौलत से अधिक मूल्यवान है आपको अपनी अमीरी मुबारक और हमें अपनी गरीबी अवैध ढंग से उत्पन्न की गई दौलत को छूना तो दूर हम उसकी ओर देखना भी पाप समझते हैं इतना कहकर अखिल मुड़ा और पिता के समीप आ गया राजा राम अब भी क्रोधावस्था में थे और गहरी गहरी सांसें ले रहे थे अखिल ने उन्हें सहारा देकर कहा चलिए पापा थोड़ी देर आराम कर लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं थोड़ा लेट भी हो जाएंगे तो कुछ ना होगा राजा राम ने चेहरा ऊपर उठाया उसकी आंखों में क्रोध के शोले बरस रहे थे उसने एक बार निखिल को देखा और फिर अखिल से कहा इस कबीने से कहो यह यहां से चला जाए मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता शांति से काम लीजिए पापा क्रोध आपके लिए ठीक नहीं शांति तो अब मौत के बाद ही मिलेगी या फिर उस दिन मिलेगी जब यह सपोलिया दुनिया से चला जाएगा मेरे कुल को दाग लगा दिया इस कुत्ते ने पता नहीं यह स्वतंत्रता सेनानी काली प्रसाद के खानदान में क्यों पैदा हुआ मेरे दादाजी जीवन भर देश के लिए लड़े पिताजी ने जीवन भर समाज की सेवा की और यह यह कबीना आज उसी देश और समाज का खून पी रहा है लानत है इस पर हजार दफा लानत है कहते कहते राजा राम की सांसें उखड़ने लगीं और फिर जब वह किसी प्रकार भी अपनी सांसों को नियंत्रित न कर सका तो नीचे बैठ गया और अपना सीना मसलने लगा यह देखकर कौशल्या आरती एवं भारती जल्दी से उसके समीप आ गईं और उसे सहारा देकर अंदर ले गईं उनमें से प्रत्येक की आंखों से निखिल के लिए घृणा की चिंगारियां छूट रही थीं निखिल ने सख्ती से ओट काट लिए फिर वह एक पल के लिए भी न रुका और तेज तेज पग उठाते हुए घर से बाहर आ गया उसका हृदय मानो उसके बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा था करोड़ों की दौलत पाकर उसे मिला क्या था किंतु निखिल के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था मनु ने दर्पण में अंतिम बार अपनी छवि देखी तो गर्व से मुस्कुरा उठी अपनी सुंदरता पर उसे बचपन से ही गर्व था दर्पण से हटकर उसने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली अभी तीन बजे थे आनंद को ठीक चार बजे आना था और वह उससे पहले ही घर से निकल जाना चाहती थी सोचा था डेढ़ दो घंटे का समय वह कहीं भी व्यतीत कर देगी और ठीक पाँच बजे रोशनी बाग पहुंच जाएगी इसके अतिरिक्त अभी उसे निखिल के लिए कोई अच्छा सा प्रेजेंट भी तो खरीदना था तैयार होकर वह कमरे से निकली और नौकर से बोली सुनो मैं संध्या के घर जा रही हूँ साहब आए तो कहना कि सात बजे तक लौट आऊंगी। इसके पश्चात वे जो ही गेट के समीप पहुंची उस पर बिजली टूट पड़ी आनंद अंदर आ रहा था मनु के कदम रुक गए आनंद ने निकट आकर शरारत से कहा कहिए हुजूर, आज यह बिजली किस गरीब पर बिजली कैसी बिजली मनु ने कृत्रिम उसक्राहट्स के साथ पूछा हृदय में घृड़ा का तूफान था आनंद बोला यह कजरारी आंखें मस्तक पर झूलती रेशमी बालों की लटें और चांद जैसा मुखड़ा तुम्हारा यह हुस्न किसी पर बिजली ना गिराएगा तो क्या गिराएगा यकीन रखो यह बिजली तुम पर ना गिरेगी जाने मन यह बिजली तो हमें पहले ही जलाकर राख कर चुकी है वैसे इरादा क्या है अच्छा है किंतु तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम्हें तो देर से आना था ना क्यों आनंद ने मनु के कंधे थाम लिए और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा हमारा जल्दी आना तुम्हें बुरा लगा क्या बुरा बुरा क्यों लगेगा तुमने प्रश्न किया ना वह तो मैंने यूं ही कह दिया बात यह है कि संध्या की तबीयत सुबह से खराब है उसका फोन आया था सोचा था तुम्हारे आने से पहले लौट आऊंगी ओ तो यह गड़बड़ी हुई हमारे आने से जरूर तुम्हारे हृदय पर चोट लगी होगी पागल हो गए हो क्या मनु अपने कंधे छुड़ाकर पीछे हट गई और बोली इस बात का दिल की चोट से क्या संबंध मन में आशाओं एवं उमंगों का दीप जला हो और वह एकाएक जाए तो यही होता है मेरे मन में ना कोई आशा थी और ना ही उमंग थी और यदि तुम ऐसा सोचते हो तो मैं कहीं न जाऊंगी मनु ने गुस्से से कहा और मुड़कर कमरे की ओर चल दी आनंद ने जल्दी से उसका मार रोक लिया और बोला अरे रे आप तो नाराज़ हो गई देवी जी मेरी नाराज़गी की तुम्हें चिंता ही कब रहती है रहती है देवी जी हमेशा रहती है आपके सिवा हमारा अपना है भी कौन बस रहने दो अच्छा बाबा अब यह नाराज़गी छोड़ो और जाओ दिल से कह रहे हो मनु ने प्रसन्न होकर पूछा सौ प्रतिशत दिल से लेकिन एक शर्त वह क्या आप पैदल ना जाएंगी संध्या का घर इतनी दूर है पैदल कैसे जा सकती हूँ जाना भी नहीं चाहिए गर्मी का मौसम है और चिलचिलाती धूप आपने यह बात तो सुनी होगी कि गोरा रंग धूप में काला पड़ जाता है आनंद ने कहा और हंस पड़ा मनु बोली मैं इतनी सुंदर नहीं चलो असुंदर ही सही मगर लौटना कब है देखूंगी यानी कल लौटोगी कल तुम लौटने दोगे तब ना देर हो गई तो पचास सफ़ा फ़ोन करोगे क्या करें साहब तुम्हारे बिना दिल ही नहीं लगता अच्छा अच्छा आप जाने भी दो अथवा यूँ नहीं और कैसे पहले अपनी आगे बंद करो मनु ने आनंद की आंखों में तैरती शरारत और उसके ओठों पर फैली मुस्कुराहट को जान लिया वह बोली नहीं यह सब अब नहीं क्यों मन नहीं है इसलिए कहते हुए मनु ने आनंद की नाक को मरोड़ दिया और फिर तेजी से द्वार की ओर बढ़ गई आनंद निश्वास लेकर रह गया मन की बेचैनी किसी भी प्रकार कम न हुई तो निखिल ने एक पौधे पर हंसते मुस्कुराते फूल को तोड़ा और उसे नोचकर फेंक दिया नोचा हुआ फूल एक लड़की के गाल से टकराया वह निकटी एक फूल पर मंडराते हुए भंवरे को देख रही थी यह देखकर निखिल को अपनी गलती का एहसास हुआ वह युवती से बोला सॉरी मैडम दरअसल लड़की उसके समीप आ गई बोली मैं जानती हूं आपने ऐसा जानबूझकर नहीं किया फिर भी एक फूल को शाखा से तोड़ना और उसे यो निर्दयता से नोचकर फेंक देना यह मानवता तो नहीं आप ठीक कहती हैं किंतु इस धरती पर जहां हर रोज इतने हृदय टूटते हों जहां सुबह से लेकर शाम तक रिश्तों की चिताएं जलती हों जहां अपने भी पराए हो जाते हों ऐसी धरती पर किसी एक फूल का शाख से टूटना कोई अनहोनी बात तो नहीं और वैसे भी फूल तो फूल होता है बेजान लोग तो उन्हें भी तोड़ मरोड़ कर फेंक देते हैं जो जीवित होते हैं आप कवि तो नहीं नो मिस कविताओं का शौक हमें नहीं है कविता हम भी नहीं कर सकते तब फिर इस फलसफे का अर्थ एक सच्चाई एक ऐसी सच्चाई जो सुनी तो थी किंतु आंखों से देखी ना थी निखिल ने कहा किंतु तुरंत ही उसे लगा कि वह एक अपरिचित लड़की से यह सब कहकर ठीक नहीं कर रहा है अतः भूल को सुधारते हुए बोला सॉरी मुझे यह सब नहीं कहना चाहिए था कहिए ना लड़की बोली वह क्या वही जो आप कुछ कहना चाहते थे किंतु कह ना पाए निखिल उलझन में फंस गया वह तो सोच भी नहीं सकता था कि लड़की उसकी बातों में इतनी दिलचस्पी लेना आरंभ कर देगी किंतु उसकी यह समस्या स्वयं ही हल हो गई उसने देखा मनु बड़ी तेजी से चलकर कर बाग के अंदर आ रही थी शीघ्रता से वह मनु के समीप पहुंचा और उससे बोला बहुत देर कर दी मनु हैप्पी बर्थडे मनु उससे बोली शुक्रिया किंतु इतनी देर रहा में एक जानवर मिल गया था कौन सा मेरी एक सहेली का भाई बहुत बोलता है एक बार शुरू हुआ तो फिर बोलता ही चला गया बैठोगे नहीं, नहीं यहाँ नहीं और आज हम मांडू का चलेंगे बाप रे इतनी दूर दूरी कैसी गाड़ी तो है ध्यान रखना मुझे जल्दी लौटना है आनंद प्रतीक्षा कर रहा होगा क्यों प्रतीक्षा तो नहीं किंतु बंधन तो है तुम तो जानते हो अब मैं कुंवारी नहीं रही किसी की पत्नी हूं निखिल के हृदय पर आघात सा लगा उसे मौन देखकर मनु फिर बोली शायद बुरा मान गए क्यों मैंने यह सब जो कहा झूठी क्या है निखिल बोला पत्नी तो तुम हो ही यह बात अलग है कि तुम मेरी ना होकर आनंद की हो तुम्हें दुख हुआ मनु आज मैं तुम्हारा हूं आज मेरे पास जो कुछ है सब कुछ तुम्हारा है किंतु एकाएक ही यह सब पराया हो जाए तो सहन कर पाओगी निखिल मैं तो पागल हो जाऊंगी उस दिन किंतु मैं पागल नहीं हुआ निखिल पीड़ा से मुस्कुराया और बोला जानती हो क्यों क्योंकि मैं आंसुओं को पीना और दर्द को सहना जानता हूं खैर आओ अब चलें मनु खामोशी से उसके साथ चल पड़ी गाड़ी में बैठकर निखिल ने उससे कहा मनु ना जाने क्यों मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे हृदय से लग जाऊं और घंटों रोता रहूं इसलिए ना कि मैं पराई हो गई हूं किंतु तुम तो अपने आंसुओं को पीना और दर्द को सहना जानते हो नहीं गाड़ी दौड़ने लगी तो निखिल ने कहा यह बात नहीं मनु बात कुछ और है वह क्या मेरा अपने घर से कोई रिश्ता ना रहा लोग पराए हो गए हैं मेरे लिए कहते हैं तुमसे हमारा कोई संबंध नहीं ऐसा क्यों अनायास ही जो दौलत मिली मुझे उसी वजह से मैं समझ गई वे उसमें से अपना हिस्सा चाहते होंगे नहीं हिस्सा नहीं चाहते वे सोचते हैं कि गुजरात वाले चाचा ने यह दौलत अवैध ढंग से कमाई थी वे चाहते हैं कि मैं उनसे मिली हुई दौलत को गरीबों में बांट दूं या फिर किसी धार्मिक संस्था को दान कर दूं यह तो पागलपन है किंतु वे लोग यह पागलपन छोड़ने को तैयार नहीं कहते हैं यदि ऐसा ना हुआ तो हम तुमसे संबंध न रखेंगे आश्चर्य है मनु बोली उन्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए थी ऐसा कौन है जिसके हृदय में दौलत की चाह ना हो वे लोग आदर्शवादी हैं उन्हें दौलत से अधिक अपने आदर्श प्यारे हैं जानती हो आज क्या हुआ क्या हुआ मैं घर गया था आमतौर पर मैं घर नहीं जाता और होटल में रहता हूँ कभी काम अधिक होता है तो स्टूडियो में ही सो जाता हूँ किंतु आज मैं इसलिए घर गया था क्योंकि मेरा जन्मदिन था सोचा था मम्मी पापा और दीदी से आशीर्वाद लूँगा किंतु बदले में मिला क्या अपमान पापा और छोटे भाई अखिल का लंबा भाषण उन लोगों ने मुझसे इतनी घृणा की कि मेरे लिए उसे सहना कठिन हो गया और मैं चला आया फिर तो तुम्हें उनके विषय में सोचना ही ना चाहिए वे मेरे अपने हैं मनु और मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह अपनों को भूल नहीं पाता वे लोग किस प्रकार निर्वाह कर रहे हैं यह सिर्फ मैं जानता हूँ यद्यपि घर में तीन व्यक्तियों का वेतन आता है किंतु फिर भी महीने में एक दो दिन ऐसे अवश्य बीतते हैं जब खाना नहीं बनता भारतीय दीदी को उनके पति ने तलाक दे दिया है वे भी मम्मी के पास ही रहती हैं और एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हैं तलाक क्यों हुआ असली बात तो पैसे की थी विनोद जी पिछले एक वर्ष पापा से स्कूटर मांग रहे थे किंतु जब उनकी मांग पूरी ना हुई तो उन्होंने दीदी में दुनिया के दोष निकाले और तलाक दे दिया कमाल है इतना सब होने पर भी उन्हें दौलत के महत्व का पता ना चला कुछ लोग अच्छे भले होते हुए भी पागलों जैसे कार्य करते हैं किंतु मैंने फैसला किया है कि मैं उनके विषय में कभी ना सोचूंगा। और तुम यह भी देखना कि वे एक ना एक दिन तुम्हारे पास जरूर आएंगे। इसी प्रकार बातों में समय बीत गया और गाड़ी मांडका आ गई महानगर से बीस किलोमीटर दूर पर्वतों की गोद में स्थित मांडका एक पर्यटन स्थल था इस स्थान की शोभा थे वे प्राचीन मंदिर एवं जीर्ण शीर्ण खंडर जो आज भी बीते हुए युग की ताजा याद दिलाते हैं निखिल ने एक खंडर के सामने गाड़ी रोक दी मनु गाड़ी से बाहर आ गई तो वह उससे बोला कहो कैसा लगा वह क्या मांड का? बेहद आकर्षक और सुंदर इस खंडर को देख रही हो हम्म यह किले का खंडर है इस किले को एक हिंदू सम्राट ने बनवाया था फिर जब मुगल आक्रमणकारी आए तो उन्होंने इसे ध्वस्त कर दिया कहते हैं उस हिंदू सम्राट एवं रानी को इसी किले में फांसी दी गई थी कितने दुख की बात है किंतु तो हमारे इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं खैर छोड़ो आओ अंदर चलते हैं एक मिनट मनु ने कहा और अपना बैग खोलने लगी क्या हुआ आज तुम्हारा जन्मदिन है ना मुबारकबाद तो दे चुकी हो इसके अतिरिक्त भी कुछ देना है इतना कहकर मनु ने अपने बैग से सुंदर सी एक टाई निकाली और उसे निखिल को देकर बोली तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी ओर से एक उपहार स्वीकार नहीं निखिल ने टाई को चूम लिया और बोला कैसी बातें करती हो मनु मैं तो यह सोचता हूँ कि तुमने इस उपहार के रूप में मुझे अपना हृदय दे दिया है क्यों हृदय पहले ना दिया था मनु ने निखिल के कंधे थाम पूछा दिया तो था किंतु किंतु क्या शायद मैं ही अभागा निकला जो उसे संभाल कर ना रख सका अब तो संभाल कर रखोगे अपने प्राणों से भी अधिक चाहूँगा तुम तुम सच कह रहे हो न निखिल मनु ने कहा और निखिल के हृदय से लग गई ऐसे क्षणों में वह यह भी भूल गई कि वह किसी की पत्नी थी निखिल ने उसे बाहों में भरकर उसके बालों को चूम लिया और बोला बिल्कुल सच मनु आओ अब अंदर चलते हैं और इसके पश्चात वह मनु का हाथ थामे किले के अंदर आ गया किले के अंदर कई स्थानों पर ऊंची ऊंची झाड़ियां खड़ी थीं मुख्य द्वार एवं महल के सामने एक विशाल तालाब बना था जो सूखा था दोनों तो तालाब के किनारे बैठ गए निखिल मनु की गोद में लेट गई निखिल उसके ओठों पर उंगली फेराने लगा और बोला मनु जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ मुझे क्या पता और यह सब जानने की मुझे ज़रूरत भी क्या है तुम्हारी हूँ कहीं भी ले चलो मनु मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ उपहार वह तो तुम दे चुके हो एक अन्य उपहार वह क्या पहले आंखें बंद करो शरारत तो ना करोगे कर बैठा तो नाराज हो जाऊंगी चलो फिर तो शरारत ना होगी प्रॉमिस। कह दिया ना बाबा अब जल्दी से आंखें बंद करो यह लो मनु ने मुस्कुराकर कहा और आंखें मूंद लीं उसके ऐसा करते ही निखिल ने अपने पर्स से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और उसे मनु के सामने नचाते हुए बोला अब आंखें खोलो मनु ने आंखें खोल दीं चाबियां देखकर वह बोली यह क्या है गाड़ी की चाबियाँ क्या मनु चौंकर उठी और बोली तुम्हारी गाड़ी की चाबियाँ किंतु इनसे यह मेरी नहीं तुम्हारी गाड़ी की चाबियाँ हैं मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी खरीदी है मनु विश्वास ना कर सकी और निखिल की फ... को फटी फटी नज़रों से देखने लगी निखिल उसे यों मौन देखकर बोला मनु मैंने तुम्हारे लिए वास्तव में गाड़ी खरीदी है यह उसी की चाबियां हैं गाड़ी मेरे स्टूडियो में खड़ी है लो संभालो इन्हें मनु के हृदय में प्रसन्नता के झरने फूट पड़े और उसे यूं लगा मानो वह पंख लगाकर आकाश में उड़ रही हो निखिल ने उसे अपनी ओर खींचकर कहा यह क्या हो गया तुम्हें सोच रही थी तुम क्या कर रहे हो यह मैंने क्या किया तुम्हारे लिए एक गाड़ी ही तो खरीदी क्या जरूरत थी तुम्हें इतना पैसा खर्च करने की इस पैसे को तुम अपने व्यापार में लगाते तो कितना अच्छा रहता नहीं यह तुमने ठीक नहीं किया निखिल कोई अपने प्यार के लिए ऐसा करता होगा मनु जो लोग प्यार करते हैं और प्यार की भाषा को समझते हैं वे जानते हैं कि प्यार मनुष्य की सबसे बड़ी खुशी होती है उस प्यार के लिए दौलत तो क्या यदि स्वयं को भी लुटा दिया जाए तब भी बहुत कम होता है यह तो छोटी सी बात थी यदि तुम कहो तो मैं अपना सब कुछ तुम्हारे नाम लिख सकता हूँ नहीं मैं इतनी खुदगर्ज नहीं निखिल वैसे भी मैंने तुम्हारी दौलत से नहीं तुमसे प्यार किया है मनु ने कहा और इसके पश्चात वह फिर निखिल की गोद में लेट गई निखिल ने उसके कपोलों को हथेलियों में भर लिया बोला मनु अब यदि तुम्हारी इजाजत हो तो एक छोटी सी शरारत कर बैठूं? मैंने कब रोका है किंतु भय तो लगता है भय क्यों सोचता हूं नाराज हो गई तो तुम्हें अपने हृदय दे, दे दिया है तो फिर शेष ही क्या रहा तो फिर रहने दो न जाने क्यों निखिल ने अपना निर्णय बदल दिया बुद्धू के मनु ने आंखें खोलकर निखिल के गाल पर चिकोटी भरी और बोली यह एकांत यह मौसम और सीने में युवा धड़कनों का शोर और और तुम कहते हो कि रहने दो तुम्हें संपूर्ण रूप से पा लेने की चाह क्या मेरे हृदय में नहीं क्या पता तो फिर स्वयं मेरे हृदय में झांक लो इतना कहकर मनु ने अपने ब्लाउज़ के हुक्स खोल दिए और निखिल के गले में बाहें डालकर बोली देखो ना मेरे हृदय में निखिल की नज़रें ब्रा में कैद मनु के सुदृढ़ उरोजों पर ठहर गईं और इसके साथ ही एक अनजाना सा तूफान उसके समस्त अस्तित्व में चक्कर काटने लगा मनु बड़बड़ाई यह क्या सोच रहे हो निक्की यह अवसर सोचने का नहीं बल्कि सब कुछ पा लेने का है और इसके पश्चात उसने स्वयं ही निखिल के ओठों से अपने ओंट सटा दिए निखिल ने उसे बाहों में समेट लिया दूसरे ही क्षण दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे से टकराने लगें गोपीनाथ ने प्याला उठाकर चाय की चुस्की ली और आनंद से बोले निखिल चाहता है कि मैं अपनी कंपनी की एक शाखा नागपुर में भी खोल दूं और सरकारी ठेकों की ओर विशेष रूप से ध्यान दूं। आनंद ने कुछ न कहा उनका ध्यान गोपीनाथ की बातों की ओर भी न था वह तो बड़ी बेचैनी से वॉल क्लॉक की सुइयों को देख रहा था संध्या के साढ़े सात बज चुके थे और मनु अब तक न लौटी थी तुम क्या सोच रहे हो आनंद को विचारमग्न देखकर गोपीनाथ ने कहा सोच रहा था आनंद ने प्याला उठाकर घूंट भरा और बोला यह जीवन वास्तव में एक पहली से कम नहीं होता और पहली भी अनसुलझी पूरा जीवन बीत जाए और ना सुलझे इस नाम के लोग कुछ अच्छे नहीं होते पिछले वर्ष जो सुपरवाइजर मेरे पास था उसका नाम भी जीवन ही था बहुत धोखेबाज निकला कारोबार चौपट कर दिया था मेरा ऐसा गोपीनाथ ने कहा मैं दूसरे जीवन की बात कर रहा हूं होगा कोई किंतु ऐसे लोगों से सावधान ही रहना चाहिए आनंद का दर्शन गोपीनाथ की समझ से बाहर था उन्होंने प्याला खाली किया और उठकर चले गए आनंद उठकर खिड़की के समीप आ गया मन में अब भी उतनी ही बेचैनी थी सहसा एक गाड़ी कोठी के सामने रुकी आनंद ने ध्यान से देखा गाड़ी का द्वार खोलकर मनु बाहर निकली वह कुछ क्षणों तक यूँ वहीं खड़ी गाड़ी के चालक से बातें करती रही और फिर अंदर आ गई गाड़ी चली गई आनंद पूर्वत खिड़की के पास खड़ा रहा और तभी मड़ा जब मनु ने आकर कमरे में उससे संबोधित किया हेलो आनंद और इसके उपरांत अपना बैग रखकर वह बिस्तर पर लेट गई और बोली बहुत थक गई हूँ यार पूरे दो किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ा गुलाबी चौक पर ट्रैफिक जाम था ऐसे में टैक्सी भी ना मिली संध्या कैसी है आनंद ने समीप बैठकर पूछा और ध्यान से मनु का चेहरा देखने लगा मनु के ओठों पर फूलों जैसी मुस्कुराहट थी मानो वह अंदर ही अंदर किसी गीत की धुन गुनगुना रही हो मनु ने करवट बदलकर उत्तर दिया उस चढ़ैल को हुआ ही क्या था क्यों तुम तो कहती थी वह बीमार है बीमार नहीं थी उसने मुझे मूर्ख बनाया था वह तो मुझे गुलाबी बाग के समीप ही मिल गई थी फिर कहने लगी मांड का चलते हैं और तुम दोनों माणका चले गए मेरा तो मन ना था किंतु जब उसने हट पकड़ी तो इनकार ना कर सकी यदि ऐसा था तो तुमने मुझे कहीं से फ़ोन कर दिया होता तुम क्या करते हम भी मांड का घूम लेते सुना है अच्छी जगह है फिर कभी सही पापा कहाँ हैं अभी तो यही हैं मुझे उससे कुछ बातें करनी हैं। इतना कहकर मनु बिस्तर से उतर गई और द्वार की ओर भड़ी किंतु एकाएक उसके कदम रुक गए और वह आनंद से बोली आनंद क्या तुम अपने लिए एक गाड़ी नहीं खरीद सकते आनंद उसके इस प्रश्न पर चौंका और करीब आकर बोला एकाएक एक गाड़ी की बात तुम्हें कैसे याद आ गई पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो तो उत्तर यह है कि मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता और दूसरा उत्तर यह है कि मुझे गाड़ी की आवश्यकता भी नहीं है किंतु मैं गाड़ी खरीदना चाहती हूं पापा से मत कहना उनके पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हारे लिए गाड़ी खरीद सकें और वैसे भी तुम्हें जरूरत ही क्या है पैसे का प्रबंध तुम नहीं कर सकते क्या समझने की कोशिश करो मनु मेरा वेतन इतना नहीं कि उससे चार पाँच लाख की गाड़ी खरीदी जा सके मनु ने कुछ न कहा और चलकर अपने पिता के कमरे में आ गई गोपीनाथ उस समय एक रजिस्टर में कुछ लिख रहे थे मनु ने वहाँ पहुँच रजिस्टर उनके सामने से हटा लिया और बोली छोड़िए ना पापा यह दिन रात का जोड़ तोड़ ठीक नहीं होता तुम तो घूमने गई थी अभी तो आई हूँ संध्या के साथ मांडका चली गई थी इतना कहकर मनु बैठ गई और मेज़ पर झुकते हुए बोली पापा मैं एक बहुत बड़ी उलझन में फंस गई हूँ उलझन उलझन कैसी गोपीनाथ चौंक कर बोले मैंने एक गाड़ी खरीद ली है क्या गोपीनाथ उछल तो पड़े और अविश्वास से बोले तुमने गाड़ी खरीद ली मगर इतने रुपए रुपए निखिल ने दिए हैं और गाड़ी भी उसी ने खरीदी है दरअसल पापा निखिल आपके लिए एक गाड़ी खरीदना चाहता था आपको कंपनी के काम से इधर उधर जाना पड़ता है किंतु निखिल जानता था कि आप उसकी दी हुई इतनी कीमती भेंट को यूँ स्वीकार न करेंगे अतः उसने गाड़ी मेरे नाम से खरीद ली और मुझे यह भी बता दिया कि गाड़ी वास्तव में अंकल के लिए खरीदी गई है यह लड़का तो सीमा से आगे बढ़ता जा रहा है किंतु पापा उसके पास इतना पैसा है कि उसके लिए चार पांच लाख का कोई महत्व नहीं यह तो मैं जानता हूं लेकिन सोचना तो यह है कि हम उसके इन एहसानों का बदला कैसे चुका पाएंगे तुम तो जानती हो कि वह मुझे साढ़े सात लाख रुपए पहले भी दे चुका है ठीक है पापा मनु उठकर बोली यदि आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं उससे कह दूंगी कि हमें उसकी गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं नहीं ऐसा नहीं करना उसे बुरा लगेगा कोई इतने स्नेह और अपनेपन से उपहार दे तो उसे लौटाना उचित नहीं तो क्या गाड़ी कहाँ है गोपीनाथ ने उठकर पूछा अभी तो उसके स्टूडियो में खड़ी है मैं ये सोचकर नहीं लाई थी कि कहीं आप बुरा ना मान जाएं। आप कहें तो नहीं जल्दी ठीक नहीं मैं चाहता हूं कि निखिल स्वयं उस गाड़ी को लेकर यहां आए फिर तो यह समझिए कि गाड़ी आ गई क्या मतलब निखिल कल सुबह स्वयं ही गाड़ी लेकर आएगा मनु ने कहा फिर एकाएक -एक उसे किसी बात का ध्यान आया और वह गोपीनाथ से बोली लेकिन पापा आप आनंद से यह न कहें कि यह गाड़ी हमें निक्की ने दी है बल्कि आपको यह कहना है कि गाड़ी हमने स्वयं खरीदी है मैं नहीं चाहती कि आनंद मेरे एवं निखिल के विषय में कुछ और सोच बैठे मैं इस बात को जानता हूँ मनु फिर अपने कमरे में आ गई आनंद उसे देखकर बोला पापा से कहा तो नहीं गाड़ी के विषय में कह दिया और बात भी बन गई हमारी गाड़ी कल सुबह घर आ जाएगी आश्चर्य इतनी जल्दी गाड़ी खरीदने में देरी कितनी लगती है बस पैसा होना चाहिए कहकर मनु दर्पण के सामने आ गई और अपने बाल संवारने लगी और आनंद बोला पैसा तो उन्हें मिल ही जाएगा कौन देगा शायद निखिल वर्मा आनंद ने कहा और अपने शब्दों की प्रतिक्रिया जानने के लिए वह मनु की ओर देखने लगा मनु के चेहरे पर पल भर के लिए विचारों का तूफान सा आया किंतु उसने तत्काल ही अपने आप को संभाल लिया और बोली पापा ने मुझसे इस संबंध में कुछ नहीं कहा मुझसे पूछते तो मैं कहता कि यूं ही किसी के उपकारों के नीचे दबना ठीक नहीं लेने वाला देने वाली की नज़रों में बहुत कम बहुत छोटा होता है यह सोचना पापा का काम है तुम उनसे कह सकती हो पापा को गाड़ी की जरूरत भी तो है और शायद तुम्हें भी आनंद ने यह वाक्य पूरी गंभीरता से कहा था मनु को शब्द चुभ गए किंतु उसने कुछ ना कहा और उसी समय आनंद बाहर चला गया बेसमेंट में ब्लू फिल्म की शूटिंग चल रही थी एक जोड़ा काम क्रीड़ा में लीन था दाई और ट्रॉली पर रखा कैमरा बार बार आगे पीछे सरक रहा था उस समय निखिल भी वहीं था और कुर्सी पर बैठा सिगरेट के गहरे गहरे कश खींच रहा था पाशा कैमरामैन के पास खड़ा था एक शॉट पूरा हुआ पाशा के कहने पर शॉट दे रहा जोड़ा अलग हो गया दोनों मेकअप रूम में चले गए निखिल ने खुश होकर पाशा से कहा शॉट बहुत अच्छा रहा थैंक यू सर फिल्म दो दिन में पूरी हो जाएगी कोशिश कर रहा हूं सर वैसे एक बात है वह क्या स्क्रिप्ट ठीक नहीं मिस्टर पाशा इन फिल्मों में कहानी कौन देखता है वैसे भी हम ये फिल्में जिस बाजार में बेच रहे हैं वहाँ हिंदी कोई नहीं जानता फिर भी जैसा आप उचित समझें ठीक है सर मैं देख लूँगा दूसरा शॉट कब लेना है ठीक एक घंटे बाद सीन किस पर पिक्चराइज होगा मधु और मनोज पर जोड़ी अच्छी है मिस्टर पाशा एकाएक सोचकर निखिल बोला हमारे डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर खोसला का कहना है कि फ़िल्म की शूटिंग यदि आउटडोर हो तो अच्छा बिजनेस होगा बात तो ठीक है सर किंतु आउटडोर शूटिंग में खतरे बहुत हैं यहाँ तो हम किसी भी तरह के फिल्म कर सकते हैं किंतु बाहर निकलकर तो हमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा फिर ठीक है स्टूडियो बनने तक जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए इतना कहकर निखिल अपने कमरे में आ गया उसी समय फ़ोन की घंटी बची निखिल ने सीवर उठाया और बोला हेलो निखिल हम गोपीनाथ बोल रहे हैं ओ कहिए अंकल कैसे हैं यूँ तो सब ठीक है किंतु एक बात हमारी समझ में नहीं आती तुम यह गाड़ी किस खुशी में भेंट कर रहे हो इसका मतलब है मनु ने आपसे सब कुछ बता दिया है हाँ कह रही थी तुमने उसके लिए एक गाड़ी खरीदी है अंकल गाड़ी तो वह आपके लिए ही खरीदी गई है सिर्फ उसके कागज मनु के नाम हैं रही खुशी की बात तो मेरे जीवन में तो हर पल ही खुशी का पल है इंसान के अपने उसे भरपूर स्नेह देते रहें खुशी की इससे बड़ी बात और कोई होती भी नहीं है दरअसल मैंने सोचा है कि आप इस आयु में बसों में सफ़र करते हैं इसलिए ये गाड़ी खरीद ली गाड़ी तो आपके पास पहले भी थी इसके अतिरिक्त मनु भी कभी कभी सैर सपाटे के लिए जाती है अतः सोचा कि उसकी खुशी भी पूरी हो जाएगी निक्की मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हें क्या कहूं। देवता अथवा देवताओं से भी भड़कर क्या नहीं किया तुमने मेरे लिए निखिल यह सुनकर धीरे से हंस पड़ा और बोला आप भी कमाल करते हैं अंकल आपने तो एक साधारण से व्यक्ति को देवता बना दिया मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है ना तो मैं देवता हूं और ना ही देवताओं से भड़कर हूं खैर कल सुबह तो आप घर पर ही रहेंगे ना हाँ ग्यारह बजे तक तो रहूंगा ही मैं सुबह आपके पास आऊंगा कल किस समय ठीक नौ बजे आपकी गाड़ी के साथ आप ये सब मनु को भी बता दीजिए मनु तो शाम से ही गाड़ी देखने के लिए पागल हुई जा रही है ऐसा ही होता है अंकल अच्छा निखिल ने कहा और मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया रिसीवर रखते ही उसे अपने भाई अखिल के शब्द याद आ गए अखिल की दृष्टि में दौलत कुछ भी नहीं थी और चरित्र ही सब कुछ था जबकि निखिल आज अपनी आंखों से दौलत के लिए चरित्र को बिकते देख रहा था गोपीनाथ का उदाहरण उसके सामने था एक समय वह था जब गोपीनाथ उसकी सूरत से भी घृणा करते थे वे सोचते थे कि जिस व्यक्ति के पास दौलत नहीं होती उसके पास चरित्र भी नहीं होता किंतु आज स्थिति कुछ और थी गोपीनाथ को आज उसके एवं मनु के मिलने पर कोई आपत्ति न थी जबकि गोपीनाथ यह भी जानते थे कि वह शराब भी पीता है और अपना अधिकांश समय शिल्पा जैसी लड़कियों के साथ व्यतीत करता है इसके बावजूद भी गोपीनाथ उसे चरित्रमान समझते थे और इसलिए समझते थे क्योंकि उसके पास करोड़ों की दौलत थी यही नहीं वह उन्हें पल पल अपने एहसानों के नीचे दबा रहा था और वह खुशी खुशी दब रहे थे इसके अतिरिक्त उसे यह भी विश्वास था कि मनु भी उसकी ओर दौलत के कारण ही बढ़ रही थी एक समय वह था जब मनु ने उसे एक चुंबन की इजाज़त भी न दी थी किंतु जब समय बदला और उसके पास दौलत का ढेर लगा तो मनु ने किसी की पत्नी होते हुए भी उसे अपना सब कुछ सौंप दिया किंतु एक बात पूरी तरह सच थी और वह यह है कि वह वास्तव में मनु को चाहता था मनु ने भले ही उसकी दौलत से प्यार किया हो किंतु उसने सिर्फ मनु से प्यार किया था सिर्फ मनु से निखिल ने यह सब सोचते हुए निश्वास ली और सिगरेट सुलगाने लगा उसी समय द्वार खोलकर शिल्पा आ गई उसके अभिवादन का उत्तर देकर निखिल ने कहा शिल्पा तुम्हारे बिना सब कुछ सूना सूना सा लगता है और तुम हो के आकाश से उत्तरी परी की भांति गायब हो जाती हो कल कहाँ रही सर कल मुझे देखने वाले आए थे देखने वाले किंतु उसमें देखने की क्या बात है अच्छी खासी हो खूबसूरत हो मेरा विवाह हो रहा है अच्छा कौन है वह भाग्यशाली मेरा प्रेमी इसका मतलब है तुम किसी से प्रेम भी करती हो यस सर हम दोनों के बीच पिछले एक वर्ष से प्रेम संबंध है प्रेम संबंध अथवा प्रेम का नाटक निखिल ने पूछा और शिल्पा को ध्यान से देखने लगा शिल्पा बोली नाटक नहीं सर सिर्फ प्रेम प्रेम किसी से और शरीर किसी को यह कैसे हो सकता है हो सकता है सर क्योंकि प्रेम और वासना में अंतर होता है इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि प्रेम का संबंध आत्मा से है और वासना का संबंध इंद्रियों से वैसे भी सर आप जिस संबंध की बात कर रहे हैं उसे बनाने में मेरी कोई इच्छा न थी वह व्यवस्था थी मेरी आप इस व्यवस्था को दूसरे शब्दों में बलात्कार भी कह सकते हैं बलात्कार निखिल के स्वर में घृणा थी यस सर शिल्पा बोली जब एक लड़की किसी के आगे अनिच्छा एवं व्यवस्था पूर्ण समर्पण करती है तो उसे बलात्कार ही कहा जाता है बलात्कार किसी के साथ भी हो सकता है और मैं उसे एक हादसे के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानती अतः मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ कि मैंने अपने प्यार को धोखा नहीं दिया निखिल ने सिगरेट एस्टे में कुचल दी और घृणा से बोला तुम्हारा ये फलसफा तो बहुत ऊंचा है शिल्पा रानी तुमने पाप भी किया और देवी भी बन गई एक बात बताओगी पूछिए तुमने एक बार हमारे सामने भी प्रेम का प्रस्ताव रखा था तुमने कहा था कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ बता सकती हो सच क्या था सच तो आप भी जानते हैं सर और मैं भी जानती थी आपने मेरे शब्दों को सच इसलिए नहीं माना क्योंकि आपकी दृष्टि में मैं एक बाजारू लड़की थी क्योंकि आप जानते थे कि मैं आपको नहीं आपकी दौलत को चाहती हूं आमतौर पर जब एक लड़की किसी अमीर व्यक्ति से प्रणय निवेदन करती है तो उसके विषय में यही सोचा जाता है अर्थात तुम हमें मूर्ख बना रही थी हम दोनों ही एक दूसरे को मूर्ख बना रहे थे सर आपको मेरे शरीर की जरूरत थी और मुझे आपकी दौलत की निखिल उठा और इस बार अपने दांत पीस कर बोला कितनी चालाक लड़की हो तुम थैंक यू सर शिल्पा धीरे से बोली क्या नाम है तुम्हारे प्रेमी का निखिल ने पूछा स्वर्ण में क्रोध की झलक थी अखिल अखिल वर्मा निखिल के सम्मुख जैसे चट्टान से गिरी वह कुछ क्षणों तक तो शिल्पा की आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा और फिर बोला कौन अखिल वर्मा राणा नगर में रहता है पिछले वर्ष हम दोनों साथ ही पढ़े थे निखिल के सामने फिर धमाका हुआ वह बोला राणा नगर में किस जगह डी पब्लिक स्कूल के ठीक सामने इस बार इतना ज़बरदस्त विस्फोट हुआ कि निखिल का मस्तिष्क टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया देर तक वह सन्नाटे जैसी स्थिति में खड़ा रहा और फिर बैठकर थके से लहजे में शिल्पा से बोला बैठ जाओ प्रत्युत्तर में शिल्पा ने अपने बैग से एक कागज़ निकाला और निखिल के सामने रख दिया निखिल ने उसे पढ़े बिना ही पूछा यह क्या है सर मैं नौकरी छोड़ रही हूँ तुम्हारे पापा का ऑपरेशन हो गया यस सर कैसे हैं वे अब तो पूरी तरह स्वस्थ हैं इसलिए तुम्हें नौकरी की कोई आवश्यकता ना रही यस सर किंतु हमें अभी तुम्हारी आवश्यकता है इतना कहकर निखिल ने शिल्पा का कागज फाड़ दिया और उससे बोला आज से हम तुम्हारे वेतन में 500 सौ रुपये की वृद्धि कर रहे हैं कोई लाभ ना होगा सर क्या मतलब मतलब यह है कि मैं किसी भी स्थिति में नौकरी ना कर पाऊंगी वेतन शायद कम है वेतन अच्छा है सर किंतु मैंने कहा ना अब मुझे नौकरी की जरूरत नहीं तो फिर एक बात मान लो वह क्या अखिल से विवाह ना करो यह यह क्या कह रहे हैं आप सर निखिल ने उठकर कहा हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं शिल्पा और यह वो बात है जिसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा किंतु मैं आपकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूं सर कितनी दौलत चाहिए मैं समझी नहीं सर यदि तुम अखिल से विवाह करने का निर्णय बदल दो तो हम तुम्हें मुंह मांगी रकम दे सकते हैं शिल्पा उसे आश्चर्य से देखने लगी वह समझ न पा रही थी कि निखिल ऐसा क्यों चाहता था हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वह बोली क्षमा करें सर मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकती शिल्पा ऐसा कहकर तुम हमारा अपमान कर रही हो तुम उस इंसान को चुनौती दे रही हो जो कुछ भी कर सकता है मुझे आपके इरादे का पता नहीं चला सर मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं मैंने अखिल को चाहा, चाहकर कोई पाप नहीं किया है मैं उससे विवाह कर रही हूं यह भी कोई पाप नहीं फिर भी आप क्यों चाहते हैं कि मैं उससे विवाह ना करूं मैंने आपकी कंपनी में नौकरी की आपको समय समय पर शारीरिक सुख भी दिया और बदले में आपने मुझे दिए प्रतिमा पाँच हजार रुपये किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं था कि मैंने अपना पूरा जीवन आपके नाम लिख दिया था मैं आपकी ग़ुलाम बन गई थी निखिल उसके इस तर्क को काट न सका और बैठ गया गहरी बेचैनी एवं परेशानी के भाव उसकी आंखों से स्पष्ट झांक रहे थे उसे शिल्पा के यौवन में विशेष दिलचस्पी न थी उसके पास पैसा था और पैसे के बल पर वह शिल्पा जैसी एक नहीं कई लड़कियों को खरीद सकता था उस बेचैनी का कारण तो यह था कि शिल्पा उसके छोटे भाई से विवाह कर रही थी जिस लड़की को उसने कई बार भोगा था वही उसके छोटे भाई की पत्नी बने भला यह कैसे हो सकता था उसकी अंदर आत्मा इस बात को कैसे सहन कर सकती थी सोचते हुए निखिल ने अपना चेहरा ऊपर उठाया किंतु उसे यह जानकर आघात लगा कि शिल्पा वहां से जा चुकी थी शिल्पा के जाने के पश्चात वह काफी देर तक यूं विचार सा बैठा रहा फिर एकाएक उसे कुछ ध्यान आया और वह फोन पर किसी के नंबर डायल करने लगा संबंध मिलने पर वह बोला अंकल मैं निखिल बोल रहा हूं अच्छा अच्छा प्रत्युत्तर में किसी पुरुष की भारी आवाज़ सुनाई पड़ी कहो निखिल कैसे हो अच्छा हूँ अंकल मम्मी और पापा कैसे हैं अच्छे हैं शाम खाने के पश्चात थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठा था मैंने सुना है वे लोग अखिल की शादी कर रहे हैं हाँ सुना तो मैंने भी है परसों ही वह कोई लड़की देख आए हैं लड़की सुंदर है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अखिल उससे प्रेम करता है संभवतः शादी की तारीख भी पक्की हो गई है अंकल निखिल ने रूंधे स्वर से पूछा क्या उन्होंने मुझे इतना पराया माना कि मुझसे इस संबंध में पूछना भी उचित ना समझा क्या आप इसे अन्याय ना कहेंगे देखो निखिल अन्याय तो मैं इसे कहूँगा पहला अन्याय तो यह है कि उस परिवार में पहले तुम्हारा विवाह होना चाहिए था जबकि विवाह अखिल का हो रहा है यह बात हमारी परंपराओं के विरुद्ध है और दूसरा अन्याय यह है कि उन्होंने तुमसे सलाह भी ना ली दरअसल मैं सोचता हूँ कि जो कुछ मैंने सुना है उसके अनुसार दूसरे अन्याय के जिम्मेदार तुम स्वयं हो तुम अच्छी तरह जानते हो कि राजाराम एक आदर्शवादी व्यक्ति हैं मैं नहीं मानता कि उन्होंने कभी भूल से झूठ भी बोला हो अथवा एक भी पैसा अवैध ढंग से कमाया हो बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आज कि इस दुनिया में राजाराम जैसे व्यक्ति का होना मुश्किल है हमारा पूरा स्टाफ उन्हें देवता कहकर पुकारता है ऐसी स्थिति में वे कैसे सहन कर लेंगे कि उनके घर में अवैध ढंग से कमाया गया धन आए अथवा उनका अपना बेटा अवैध ढंग से दौलत इकट्ठी करे तुम्हारे और राजाराम के बीच जो मनवटाप है उसके पीछे मुख्य कारण यही है अन्यथा ऐसा कार्य नहीं होता कि पिता अपने पुत्र को ना चाहता हो पुत्र तो उसकी आत्मा का एक अंश होता है अंकल मैं उन्हें विश्वास दिला चुका हूं कि मेरे पास जो दौलत है वह अवैध नहीं है देखो निखिल मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं नहीं जानता कि सच्चाई क्या है मैं तो केवल तुम्हारी मम्मी और पापा को जानता हूँ मैं जानता हूँ कि यह लोग महीने में चार दिन भूखे रह सकते हैं बड़ी से बड़ी विपत्ति झेल सकते हैं किंतु दो काम कभी नहीं कर सकते पहला तो यह कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते और दूसरा यह कि हराम के पैसे की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते निखिल मुझे तुम्हारे माता पिता पर गर्व है मुझे गर्व है कि इस युग में भी राजा राम जैसे धर्मात्मा लोग हमारे देश में मौजूद हैं तुम्हें तो उनके सम्मुख नतमस्तक होना चाहिए प्रातः साएँ उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए तुम्हें ऐसे धर्मात्मा माता पिता तो बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं मेरी मानो तो उनसे अपने अपराधों की क्षमा मांग लो दूसरी ओर से कहा गया किंतु निखिल ने कुछ ना कहा और घबराकर रिसीवर रख दिया उसकी आंखों में डोलती विचारों की छाया पल पल गहरी होती जा रही थी मनु आज सुबह ही से व्यस्त थी और नौकर के साथ पूरी कोठी को इस भांति सफाई करवा रही थी मानो वहां कोई पार्टी होने वाली हो आनंद इन सब बातों से अलग था और कमरे में बैठा बार बार क्लॉक की ओर देख रहा था सुबह के आठ बज चुके थे और किसी ने उससे नाश्ते के विषय में भी न पूछा था जबकि उसे नौ बजे अपने कॉलेज पहुंचना था आनंद यह तो जानता था कि आज इस घर में नई गाड़ी आ रही है और गाड़ी के साथ साथ एक विशिष्ट मेहमान भी आ रहा है किंतु यह बात उसकी समझ से भी परे थी कि केवल के निखिल के लिए पूरी कोठी की सफाई क्यों हो रही थी फिर जब सवा आठ बज गए तो वह उठा और ड्राइंग रूम में आ गया मनु उस समय ड्राइंग रूम में ही थी और अपने हाथों से गुलदस्ते में ताजे फूल सजा रही थी नौकर बाहर लॉन में उगे पौधों की सूखी पत्थियाँ हटा रहा था आनंद उसे कुछ क्षणों तक तो देखता रहा और फिर बोला देवी जी तुम कहो तो इस सफाई अभियान में मैं भी शामिल हो जाऊं रहने तो मैं सब कुछ कर लूंगी कर तो लोगी किंतु मेरा क्या होगा क्यों मुझे कॉलेज जाना है ठीक है मनु ने बेच पर झुके झुके उत्तर दिया जाओ और नाश्ता बाहर प्रताप है उससे कह दो क्या तुम्हारे तो पास इतना समय भी नहीं कि अपने पति के लिए नाश्ता भी बना सको समझा करो आनंद गुलदस्ता रखकर मनु ने आनंद की ओर देखा और बोली तुम तो देख ही रहे हो कि सुबह से मैं कितनी व्यस्त हूँ एक पल का भी समय नहीं मिला सफाई इतनी जरूरी थी ना चाहते हुए भी आनंद पूछ बैठा विवाह के पश्चात सफाई हुई कहाँ आए सभी कमरे गंदे पड़े हैं कोई मेहमान आए और घर को अस्व्यस्त तथा गंदा देखे तो क्या यह अच्छा लगता है इसके पश्चात मनु ने नौकर को बुलाकर उससे कहा सुनो लॉन की सफाई हो गई क्यारी में पानी डालना बाकी है कमाल है तुमने अभी पानी भी नहीं डाला क्या कर रहे हो तुम सुबह से नौ बजने में अब समय ही कितना रह गया है बस पाँच मिनट में हो जाएगा मेम साहब नौकर बोला ठीक है पाँच मिनट में यह काम करो और उसके पश्चात साहब के लिए नाश्ता तैयार कर दो ठीक है मेम साहब कहकर नौकर बुढ़ा आनंद ने उसे रोककर कहा नहीं प्रताप तुम अपना काम करो सफाई नाश्ते में अधिक जरूरी नहीं मैं कैंटीन से कुछ खा लूँगा नौकर चला गया मनु ने आनंद को गुस्से में देखकर कहा कभी कभी क्या हो जाता है तुम्हें क्या तुम एक दिन नौकर के हाथ का बना नाश्ता नहीं कर सकते प्रश्न नाश्ते का नहीं है मनु आनंद अपना आक्रोश ना दबा सका और बोला प्रश्न है उपेक्षा का तुम मेरी उपेक्षा कर रही हो तुम निखिल के आने की खुशी में यह भी बोलती जा रही हो कि तुम किसी की पत्नी हो तुम्हारे अपने पति के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं तुम्हें निखिल से इतनी घृणा क्यों है मुझे निखिल से नहीं तुम्हारे व्यवहार से घृणा है तुम्हारा व्यवहार कभी कभी इतना उपेक्षापूर्ण होता है कि यह तुम्हारा भ्रम है यह भ्रम नहीं बल्कि सच्चाई है अच्छा बाबा मनु ने झुंझुलाकर कहा अब तो मेरा मूड खराब ना करो और जाओ आनंद ने क्रोध एवं घृणा से दांत पीस लिए किंतु उसने कुछ न कहा और तेज पग उठाते हुए कमरे से निकल गया मनु वहीं खड़ी अपने गुस्से को पीने का प्रयास करती रही उसी समय गोपीनाथ कमरे में आकर उससे बोले आनंद को अचानक ही क्या हो गया साहब के मन में जलन पैदा हो रही है जलन वह क्यों करेगा निखिल की वजह से वह आ रहा है ना? इसमें जलन की क्या बात है और फिर निखिल तो यहाँ पहले से आता रहा है पापा यह बात आनंद जैसे दार्शनिक की समझ में नहीं आ सकती वह तो वह चाहता है कि हम उसके लिए पुराने संबंधों को भी ठोकर मार दें कहता था सफ़ाई की क्या ज़रूरत है मुझे तो यह दार्शनिक लोग बहुत ही घटिया नज़र आते हैं मनु के स्वर में घृणा थी कोई बात नहीं गोपीनाथ बोले मैं उसे समझा दूंगा तुम नाश्ते का प्रबंध करो नौ बजने वाले हैं मेरा तो मूड ही बिगाड़ दिया आनंद ने छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते तुम चलकर अपना काम देखो निकल आता ही होगा तभी बाहर किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई पड़ी हॉर्न की आवाज़ सुनकर गोपीनाथ एवं मनु बाहर निकले देखा हरे रंग की एक चमचमाती गाड़ी गेट के अंदर प्रवेश कर रही थी गाड़ी की चालक सीट पर निखिल बैठा था गाड़ी जो ही बरामदे के सामने आकर रुकी मनु स्वयं गोपीनाथ तुरंत गाड़ी के समीप आ गए दोनों के चेहरों पर प्रसन्नता की लहर छा गई तभी गाड़ी का द्वार खुला और निखिल ने बाहर आकर अभिवादन के उपरांत गोपीनाथ से कहा अंकल मेरी ओर से यह छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए इतना कहकर उसने गाड़ी की चाबियां गोपीनाथ को थमाई और कनखियों से मनु की ओर देखने लगा मनु मुस्कुरा रही थी गोपीनाथ चाबियां लेकर बोले निक्की तुम्हारी महानता की कोई सीमा नहीं लाखों की गाड़ी को तुम छोटी सी भेंट कह रहे हो अंकल आप कुछ भी कहें मैं तो इसे छोटी सी भेंट ही कहूँगा वैसे गाड़ी पसंद आई आपको पसंद इस बार मनु बोली बहुत पसंद है निक्की इसका रंग और मॉडल तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा है इतना कहकर मनु ने द्वार खोला और अंदर बैठ गई गोपीनाथ धीरे से हंसकर बोले निक्की यह लड़की तो हमेशा बच्ची ही रहेगी फिर उन्होंने मनु से कहा मनु बेटे अब गाड़ी में बैठी रहोगी अथवा निक्की को कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी मनु बाहर आ गई निखिल से बोली थैंक यू निक्की आओ फिर सब ड्राइंग रूम में आ गए जलपान के दौरान निखिल गोपीनाथ जी से अपनी निर्माणाधीन फिल्म के विषय में बात करने लगा सुनकर मनु बोली निक्की तुम्हारी इस फिल्म में कोई छोटा मोटा रोल मुझे भी मिल सकता है छोटा मोटा रोल निखिल ने एक बार गोपीनाथ की ओर देखकर मनु से कहा मनु तुम तो हीरोइन बनने के योग्य हो क्या नहीं है तुम्हारे पास अच्छी शिक्षा अच्छी आवाज़ और सुंदरता। मैं तो तुमसे संबंध में स्वयं ही कहने वाला था किंतु फिर सोचा कि शायद तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री पसंद ना हो नहीं मुझे तो वह बहुत पसंद है पापा क्या आपको भी फिल्म इंडस्ट्री पसंद है मनु ने अपने पिता से पूछा गोपीनाथ बोले भाई बात पसंद नापसंद की नहीं असली बात तो उम्र की है अब इस उम्र में हमें कौन रोल देगा इस पर निखिल एवं मनु दोनों हंस पड़े हंसी रुकने पर मनु बोली आप ही कमाल करते हैं पापा मैं तो पूछ रही थी कि क्या आप मेरा फिल्म इंडस्ट्री में जाना ठीक समझते हैं इसमें बुराई भी क्या है फिर ठीक है पापा कहकर मनु ने अपनी चाय समाप्त की और निखिल से बोली निक्की मैं तुम्हारी फिल्म में हीरोइन का रोल करने को तैयार हूँ थैंक यू कब साइन करूं? मैं उससे पहले तुम्हें स्क्रिप्ट दिखाना चाहूँगा और हाँ अभी तो स्टूडियो बनने में भी दो महीने का समय लगेगा कोई बात नहीं मैं दो महीने प्रतीक्षा कर लूँगी वैसे फिल्म का नाम क्या है दौलत और ईमान नाम तो अच्छा है गोपीनाथ बोले कहानी वह भी अच्छी है निखिल ने कहा फिर जलबाज समाप्त हो गया और गोपीनाथ उठकर बोले अच्छा भाई तुम लोग बैठो मैं एक दो फ़ोन कर लूँ इसके उपरांत वे चले गए मनु उठकर निखिल के समीप आ गई और उसके कंधे पर सर रखकर बोली निक्की रात को मुझे नींद नहीं आई क्यों तुम्हारे आने की खुशी में किंतु मुझे तो सुबह आना था मैं सुबह होने की प्रतीक्षा करती रही मैं भी निक्की ने मनु के बालों से खिलते हुए कहा और फिर कुछ सोचकर वह बोला आनंद साहब तो कॉलेज गए होंगे हाँ सुबह ही चले गए नौ बजे जाते जाते मेरा मूड खराब कर दिया वह क्यों मुझसे नाश्ता तैयार करने के लिए कह रहे थे तो मेरे पास समय ना था सफाई में लगी थी बस साहब इसी बात पर बिगड़ गए और बिना नाश्ता किए ही चले गए मैंने भी नहीं रोका तुम्हारा आनंद दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर है ना? हाँ तभी तो दरअसल यह दार्शनिक लोग बहुत अजीब किस्म के होते हैं यह ना तो स्वयं खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं उन्हें तो ऐसी दुनिया में रहना चाहिए जहाँ कोई दूसरा ना रहता हो समझ में नहीं आता तो मैं इसे इंसान के साथ निभाऊंगी कैसे कोशिश करूंगी कि निभ जाए न भी तो फिर अलग हो जाऊंगी अलग होकर कहाँ जाऊंगी तुम्हारे पास और कहाँ निखिल को उसके इस वाक्य से खुशी हुई मनु को चूमकर वह बोला खैर छोड़ो आओ कहीं घूम आते हैं एक शर्त पर मनु उससे अलग होकर बोली गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी भाई गाड़ी तुम्हारी है तो ड्राइव और कौन करेगा जाओ अंकल से इजाज़त ले लो फिर चलते हैं मनु ने उठकर मस्तक पर फैले बालों को हथेली से पीछे हटाया और चलकर अपने पिता गोपीनाथ के पास आ गई गोपीनाथ उस समय फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे बातें समाप्त होने पर मनु उन पर पीछे से झुक गई और बोली पापा आपकी इजाज़त हो तो मैं कहीं घूमाऊँ निकल गया गोपीनाथ ने पूछा बैठे हैं ठीक है, है घूम किंतु दोपहर का खाना मैं बाहर खा लूँगी आपका खाना प्रताप बना देगा जैसी तुम्हारी इच्छा किंतु एक बात का ध्यान रखना गाड़ी देखभाल कर चलाना नई गाड़ी है डोंट वरी पापा कुछ नहीं होगा तो मैं जाऊं? जाओ बाबा जाओ थैंक यू पापा मनु ने कहा और फिर तेजी से चलकर निखिल के पास आ गई निखिल उस समय दर्पण के सामने खड़ा अपने बाल संवार था अस्वस्थ होने के कारण राजाराम आज बैंक ना गया था और चारपाई पर बैठा आज का समाचार पत्र देख रहा था कौशल्या देवी पड़ोस में गई थी कुछ समय पश्चात वह थकी हारी सी घर लौटी और राजा राम से बोली आप बिल्कुल ठीक कहते थे पूरे मोहल्ले में उसकी बात की चर्चा हो रही है कौन सी बात की अखबार रखकर आंखों से एनक हटाते हुए राजा राम ने पूछा यही कि हम बड़े बेटे के स्थान पर छोटे बेटे का विवाह कर रहे हैं तुमने उन लोगों से यह नहीं कहा कि हमारा बड़ा बेटा मर चुका है भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें मत बोला कीजिए औलाद अच्छी हो अथवा बुरी होती तो औलाद ही है नहीं होती कौशल्या राजा राम ने घृणा से कहा मैं कुपुत्र को पुत्र कभी नहीं मान सकता जिस तरह सड़े अंग को काटना ही उचित होता है उसी तरह कुपुत्र को भी त्याग देना चाहिए मरा हुआ समझ लेना चाहिए उसे जो चिराग अपने ही घर में आग लगाता हो मैं उसे बैरी बांधता हूं इसलिए मेरा यह कहना ठीक है कि हमारा बड़ा बेटा मर चुका है नाम ही मत लो उसका भूल से भी याद मत करो उसे सोच लो कि तुमने केवल एक ही पुत्र को जन्म दिया था कौशल्या मौन खड़ी रही एक पल रुककर कर राजा राम ने फिर कहा अरे तुमने तो अनेक धार्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं गीता पढ़ी है रामायण पढ़ी है इन सब पुस्तकों में तुम्हें एक संदेश अवश्य मिला होगा कि संसार में कोई किसी का नहीं और यदि किसी को हम अपना कहते हैं तो इस कथन के पीछे हमारा कोई स्वार्थ छिपा होता है यदि अपना कोई है तो वह है मनुष्य का कर्म कर्मणो प्रांत भी मनुष्य के साथ चलता है अतः मनुष्य को चाहिए कि वह संसार में उसी प्रकार रहे जिस प्रकार जल में कमल रहता है संसार में बसो किंतु फंसो मत परिवार के लिए अपने उत्तरदायित्व पूरे करो किंतु उसके लिए ऐसा कुछ मत करो जिसे पाप की संख्या दी जाए किंतु उस पाप का फल अकेले तुम्हें ही भोगना है अन्य किसी को नहीं बात समझ में आई कौशल्या बोली मेरी समझ में तो वही है जो आपकी है मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि आप निकिल को क्षमा कर दें अथवा उससे समझौता कर लें कहना भी मत कौशल्या कभी कहना भी मत और यह भी ध्यान रखना कि जिस दिन तुमने मेरी आज्ञा के बिना उसे घर में घुसने दिया मैं उसी दिन यह घर त्याग दूंगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा स्वामी ठीक है अब बैठो और यह बताओ कि बहू के लिए क्या क्या ख़रीदना है कौशल्या बैठकर बोली इसमें मैं क्या कह सकती हूँ कमाल है बहू तुम्हारी आएगी और तुम कह रही हो कि वह आपकी भी तो कुछ होगी हाँ हाँ बेटी होगी किंतु उसके साथ अधिकांश समय तो तुम्हें ही रहना है मेरा क्या है मैं तो सुबह निकल शाम को लौटूंगा बहू सेवा करेगी तो तुम्हारी आजकल कोई किसी की सेवा नहीं करता जी कौशल्या यह भूल है तुम्हारी कभी सेवा करने वालों की नहीं सेवा कराने वालों की है यदि तुम अपनी बहू को बेटी के समान समझोगी और हर प्रकार से उसके मान सम्मान एवं सुख दुख का ध्यान रखोगी तो वह भी तुम्हें माँ समझेगी और एक बेटी की तरह तुम्हारी सेवा करेगी किंतु होता क्या है हम लोग ही पराई बेटी को अपनी बेटी नहीं समझते उसे हमेशा नौकरानी समझते हैं और ढेर सारा दहेज डाल आ जाने के ताने उलाने देते रहते हैं बात बात पर चोट पहुंचाते हैं उसके आत्मसम्मान को अब ऐसी स्थिति में कौन बहू होगी जो अपनी सास को माँ समझ उसकी सेवा करेगी और यदि व्यवस्थावश सेवा करनी भी पड़ी तो क्या उसके हृदय में अपनी ससुराल वालों के लिए सच्चा आदर होगा खैर छोड़ो मैं तो यह चाहता हूँ कि बहू के लिए दो साड़ियाँ और एक अंगूठी तो अवश्य होनी चाहिए कुल मिलाकर चार हजार में बात बन जाएगी और अनिल के कपड़े उसका प्रबंध मैं कर दूँगा आरती का सूट और भारती की साड़ी वह भी हो जाएगा साथ ही एक साड़ी तुम्हारे लिए भी मुझे भला साड़ी का क्या करना है मैं क्या बारात में जाऊंगी? राजा राम ने कहा भाग्यवान घर में चार मेहमान आएंगे ऐसे में ढंकी एक साड़ी तो तुम्हारे पास होनी चाहिए कौशल्या बोली उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें मैं भारती की साड़ी से काम चला लूंगी। आप मेरी साड़ी के बजाय अपने कपड़े बनवा लें कौशल्या तुम तो बस कौशल्या ही रही कहकर राजा राम हंस पड़ा कौशल्या उठकर बोली मैं आपके लिए खाना लाती हूँ हाँ एक बात और कहनी थी आपसे कह दो भारती तो अब अपने ससुराल जाने से रही तलाक भी तो नहीं हुआ है उसका हो जाएगा वैसे भी अब तलाक में कसर ही क्या है जब दिल ही अलग अलग हो गए तो संबंध कैसा अब तो सिर्फ अदालत का फैसला बाकी है चलो वो भी देखा जाएगा मैं कुछ और कह रही थी वह क्या मैं चाहती हूँ कि अखिल के बाद कोई अच्छा सा लड़का देखकर भारती के हाथ पीले कर दें किंतु इसके लिए भारती की सहमति भी तो आवश्यक है वह इनकार ना करेगी ठीक है देख लेंगे इसके पश्चात कौशल्या चली गई और राजाराम फिर से अखबार की सुर्खियाँ देखने लगे मौसम सुहावना था आकाश में बादल थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं संभवतः दूर कहीं बारिश हुई थी मनु एवं निखिल शहर के कोलाहल से दूर सागर सरोवर में नौका विहार कर रहे थे मनु उसकी गोद में सर रखे लेटी थी और निखिल धीरे धीरे चप्पू चला रहा था चप्पू चलाते समय एकाएक उसे शरारत सूझी और उसने नीचे झुककर मनु को चूम लिया मनु अलसाई सी बोली सोने दो ना बाबा क्या तुम सो रही हो हाँ आज वर्षों बाद अच्छी नींद आई है इसलिए क्योंकि लहरों पर सोने का मज़ा ही कुछ और होता है है ना तो फिर क्यों ना हम एक काम करें वह क्या क्यों ना हम चार पाँच एकड़ भूमि खरीद कर वहाँ एक तालाब बनवाएं और उसके बीचों बीच एक महल बनवा दें हमारा ख्याल है उस महल में आपको और भी अच्छी नींद आएगी विचार तो बुरा नहीं लेकिन लेकिन क्या मनु ने उठकर अपने बालों पर हाथ फिराया और निखिल से बोली उस महल का राजा कौन होगा राजा तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा किंतु उससे पहले यह बताइए कि रानी कौन होगी वह भी मिल ही जाएगी ना मिली तो, तो फिर यह समझिए कि आपकी तकदीर ही ठीक नहीं नहीं साहब अपनी तकदीर में तो कोई कभी नहीं तकदीर अच्छी होती तो क्या हम दोनों यूँ दुनिया से छिप मिलते दुनिया से छिपकर मिलने में जो आनंद है वह सबके सामने मिलने में नहीं मनु नीचे झुक लहरों से खिलने लगी बोली इसका अर्थ तो यह है कि आप हमेशा छुप ही मिलना चाहते हैं जी नहीं हम तो यह चाहते हैं कि इस दुनिया में हमारी भी एक छोटी सी दुनिया हो जिसमें हम हों और हमारी धर्मपत्नी हो आप विवाह क्यों नहीं कर लेते वह तो हो चुका कब आज से दो वर्ष पहले किंतु दुल्हन वे हमारे हृदय में रहती है बहुत सुंदर होगी हाँ बहुत ही सुंदर निखिल ने नाव की दिशा बदली और निश्वास लेकर बोला इतनी के देखते ही चांद शर्मा जाए और तारे आकाश में धरती पर देखना छोड़ दें अच्छा फिर तो संसार में अंधकार छा जाएगा जी नहीं हमारी दुल्हन भी चांद जैसी है जो ही वह घूंघट हटाएगी यह संसार उजालों से भर जाएगा मनु ने इस बार कुछ न कहा और पूर्वत हाथ से लहरों को छेड़ती रही निखिल उसे यो मौन देखकर बोला आप क्या सोचने लगी? आपकी दुल्हन के विषय में वह क्या ना जाने वह आपके हृदय से निकलकर खुले संसार में कब आएगी ना आए तो अच्छा है क्यों जमाना अच्छा नहीं किसी की नज़र लग गई तो उसे अपनी बाहों में छुपा कर रखेंगे तो ऐसा ना होगा मनु ने कहा यह सुनकर निखिल ने चप्पू रखा और मनु को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया मनु उसके हृदय से लग गई निखिल ने उसे चूमकर कहा मनु कहो ना। मनु यह दूरी यह युगों जैसी दूरी अब मुझसे सहन नहीं होती किसी दिन तकदीर बदल दो ना ऐसा भाके की कैसे बदलूं? चारों ओर समाज की दीवारें हैं तोड़ डालो ना उन दीवारों को यह असंभव है निक्की असंभव कुछ भी नहीं होता मनु इंसान चाहे तो समाज से क्या पूरी दुनिया से भी लड़ सकता है कोशिश करूंगी, परू ने कहा सच कह रही हो ना निखिल ने पूछा हाँ बिल्कुल सच तभी नाप रुक गई और निखिल ने शीघ्रता से चप्पू उठा लिया अब मैं जाऊं? ऊँ हूं अभी नहीं देखो काली घटाएं घिर रही हैं तो क्या हुआ निखिल ने पूछा और गोद में लेटी शिल्पा के ओठों पर उंगली फिराने लगा दोनों एक पार्क में झाड़ियों के पीछे बैठे थे शिल्पा की आंखें बंद थीं वह बोली वर्षा रानी आ जाएगी ईश्वर करे कि वर्षा हो और ऐसी जमकर बरसे कि हम घर ही ना जा सकें पूरी रात यहीं रहें इसी पार्क में पगले कहीं के शिल्पा ने मुस्कुराकर कहा और उठ गई अखिल ने उठकर निश्वास ली और शिल्पा का हाथ थामकर बोला वास्तव में जा रही हो जाना आवश्यक है पापा के लिए दवाई खरीदनी है मम्मी की तबीयत भी सुबह से ठीक नहीं है मुझे तो चिंता है कि मेरे पश्चात उनका क्या होगा चिंता ना करो हम उनका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे अब कब मिलोगी शादी वाले दिन बाप रे यह एक सप्ताह का समय कैसे कटेगा कुछ इंतज़ार में कुछ यादों के सहारे आओ चलें फिर वे पार्क से बाहर आए और विपरीत दिशाओं में बढ़ गए फुटपाथ पर अपने घर की ओर बढ़ते समय भी अखिल शिल्पा के विषय में ही सोचता रहा एकाएक पीछे से आने वाली एक गाड़ी के ब्रेक ठीक उसके निकट चरमराए और अखिल चौंक पीछे की ओर देखने लगा किंतु जो कुछ देखा उसे देखते ही उसके चेहरे पर कड़वाहट सी फैल गई यह निखिल था जो गाड़ी से उतरकर उसी की ओर देख रहा था अखिल के कदम रुक गए निखिल समीप आकर उसे कुछ क्षणों तक तो ध्यान से देखता रहा और फिर बोला कैसा है रे अच्छा हूँ अखिल ने धीरे से उत्तर दिया नज़रें झुकी रहीं और मम्मी पापा वो भी अच्छे हैं आरती भारती दीदी सब ठीक है इसके उपरांत कुछ क्षणों तक मौन रहा इन मौन को तोड़ते हुए निखिल फिर बोला सुना है तेरी शादी हो रही है हाँ कब ठीक एक सप्ताह बाद पंद्रह को लड़की कैसी है अच्छी है नाम शिल्पा वर्मा एक बात मानेगा वह क्या मैं चाहता हूँ यह विवाह ना हो कारण शिल्पा अच्छी लड़की नहीं शिल्पा अथवा आप स्वयं क्या मतलब अखिल ने इस बार नज़रें ऊपर उठाई और घृणा से बोला आप बता सकते हैं आपके अंदर कौन सी अच्छी बात है ऐसा कौन सा बुरा काम है जो आप नहीं करते ऐसा कौन सा पाप है जिसका साया प्रत्येक समय आपके साथ नहीं रहता ऐसी कौन सी बुराई है जो आपने निकटता से नहीं देखी अखिल आपने गैरकानूनी ढंग से दौलत इकट्ठी की आपने अपने देश और समाज के साथ विश्वासघात किया आप सुबह से शाम तक कई बार शराब पीते हैं और बाजारू लड़कियों के साथ घूमते हैं चुप रहो निखिल निखिल गुस्से से चीख पड़ा बात चुप रहने की नहीं भाई साहब अखिल के स्वर में घृणा थी वही तड़प और वही कड़वाहट थी वह बोला बात है अच्छाई और बुराई की शिल्पा के विषय में कुछ कहने से पहले आपको अपने गिरेबान में भी देखना चाहिए था इंसान को चाहिए कि वे दूसरों के दोष देखने से पूर्व अपने दोषों को दूर कर ले और कुछ कहना है आपको क्रोध और अपमान के कारण निखिल को समूचा शरीर थर थरथर कांप रहा था किसी प्रकार अपने क्रोध को दबाते हुए बोला तू तू भाई होकर भी मेरी इतनी सी प्रार्थना नहीं मान सकता भाई व्यंग एवं जहर से भरी मुस्कुराहट के साथ अखिल बोला हूँ यह किसने कह दिया कि मैं आपका भाई हूँ आपका मेरा रिश्ता ही क्या है मैंने श्रीमान राजा राम जी के घर में जन्म लिया है और आप दौलत की दुनिया में पैदा हुए हैं अखिल अपनों से इतनी घृणा नहीं होती अपनों से घृणा कोई करता भी नहीं है मिस्टर निखिल वर्मा घृणा की जाती है दुश्मनों से तो यूँ कहना कि मैं तुम लोगों का दुश्मन हूँ जो व्यक्ति श्रीमान राजा राम जी के वंश में पैदा हुआ हो और जिसने उन्हीं के वंश पर कलंक लगाया हो कीचड़ उछाली हो खानदान की इज्जत पर ऐसा व्यक्ति हमारा दोस्त नहीं हो सकता मिस्टर निखिल वर्मा अतः आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दें कि आप हमारे अपने हैं अथवा आपका हमसे कोई रिश्ता है अच्छा होगा कि आप हमें भूल जाएं वरना हम आपको बहुत पहले भूल चुके हैं हम भूल चुके हैं कि मिस्टर निखिल वर्मा हमारे अपने थे हम यह भी भूल चुके हैं कि उन्होंने श्रीमती कौशल्या देवी की कोख से जन्म लिया था आपने रिश्तों की चिता जलाई और हमने उसे जलांजलि देकर अपने आप को समझा लिया मिस्टर निखिल वर्मा पीड़ा हुई किंतु हम सब उससे विधाता का वरदान मानकर पी गए हृदय का एक टुकड़ा कहीं दूर गिरा और हमने उसे यह सोचकर ना उठाया कि वह हमारा अपना ना था और अब तो हम यही चाहते हैं कि वह टुकड़ा कभी हमारे समीप ना आए कभी हमसे ना कहे कि वह हमारा अपना है अखिल ने घृणा एवं क्रोध से कहा और तेजी से आगे बढ़ गया निखिल की आंखों में आंसू झलक आए वह कुछ क्षणों तक तो अखिल की डबडबाई आंखों से देखता रहा और फिर शीघ्रता से उसका मार्ग रोककर कर स्वर में बोला अखिल यह सब कहकर तूने बहुत बड़ा इनाम दिया मुझे बहुत बड़ा इनाम दिया मेरे प्यार रे दुलारे किंतु तेरा यह कहना झूठ है कि तू मुझे भूल चुका है यह सत्य नहीं है तेरे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा मेरे भाई जो रिश्ते माँ की कोख में बनते हैं और पिता की बाहों में किलकारियाँ मारते हैं उन्हें तोड़ना इतना सरल नहीं होता तू दूर रहकर भी मेरे पास रहेगा तू पराया बनकर भी मेरा अपना रहेगा और जानता है ऐसा क्यों होगा क्योंकि हमें जन्म देने वाली माँ एक ही है क्योंकि हमने एक ही कोक में पाँव फैलाए हैं अखिल ने उपेक्षा से कहा मुझे आपकी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं मिस्टर अन निखिल वर्मा मत ले दिलचस्पी किंतु बस मेरी एक प्रार्थना मान ले इस शादी को रोक दे हाथ मत कर यह शादी तोड़ दे इस रिश्ते को तोड़ दे अखिल भैया देख देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यह शादी ना रुकी तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा यह पाप होगा अखिल कहते कहते निखिल ने अपने हाथ जोड़ दिए उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे यह सुनकर अखिल घृणा से बोला पाप पुण्य और अन्याय मिस्टर निखिल वर्मा मैं यह भली प्रकार जानता हूँ कि यह शब्द आपकी जुबान पर क्यों आए हैं वास्तव में मेरा आपसे पहले विवाह होना अन्याय तो है ही एक प्रकार से पाप भी है और यह सब इसलिए क्योंकि मैं आपसे छोटा हूँ क्योंकि पारिवारिक नियमों के अनुसार शादी का सहरा पहले बड़े भाई के सिर पर बनता है और यहाँ इसकी विपरीत हो रहा है अन्याय की बात तो है ही अन्याय की नहीं दुख की भी खैर अब इजाज़त दीजिए बहुत देर हो गई नमस्ते इसके उपरांत अखिल तेज तेज पर उठाते हुए वहाँ से चला गया निखिल की आंखों से आंसुओं की बूंदें ढलकती रहीं मनु ने गुनगुनाते हुए कमरे में पाँव रखे और चौंक गई मुस्कुराते हुए ओठ एक दूसरे से यों चकड़ गए मानो खुलना ही ना जानते हों आनंद कुर्सी पर बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा था मनु फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और बैग रखकर अपने बाल संवारने लगी आनंद ने उसे देखकर व्यंग से कहा लौट आई आप तुम कब आए उत्तर देने के बजाय मनु ने प्रश्न किया आया तो अभी हूँ किंतु कॉलेज ना गया था फिर कहाँ रहे सागर सरोवर में नौका विहार करता रहा मनु के सामने विस्फोट सा गूंज गया चौंकर उसने आनंद को देखा आनंद उठकर बोला सचमुच बहुत अच्छा था मौसम आकाश में घटाएं, ठंडी हवाएं और किनारे से टकराती सरोवर की लहरों का धीमा धीमा संगीत मैं तो सब कुछ भूल गया इस दृश्य को देखकर लौटने का मन ही ना था सच कितना सुख मिलता है प्रकृति की गोद में लेटकर हवाओं से बातें करते हुए लहरों से खेलते हुए यूं लगता है मानो प्रकृति स्वयं नृत्य कर रही हो मनु का हृदय कांप गया समझते देर न लगी कि आनंद ने उसका पीछा किया होगा फिर भी स्वयं को संभाल वह शुष्क स्वर में बोली तुम तुम कहना क्या चाहते हो मुबारकबाद देना चाहता हूं तुम्हें मनु के समीप आकर अन बोला इस बात के लिए कि तुम्हें अपना खोया हुआ प्यार मिल गया वह प्यार जिसे तुमने किसी वक्त ठोकर मार दी थी आज फिर तुम्हारे हृदय से लग गया किंतु यह सब एकाएक कैसे हो गया किसकी बात कर रहे हो निखिल की एक वही तो है जिसे तुम अपना पहला प्यार कह सकती हो मेरा कोई प्यार नहीं तो फिर यह सब क्या है क्या है तुम्हारे उसके साथ मांडका के खंडरों में घूमना रोशनी बाग में मिलना और उसके साथ सागर सरोवर में नौका विहार करना और मिलन भी ऐसा जिसमें जन्म जन्मांतर की प्यास मिटी हो ऐसा मिलन जिसमें दो जिसम एक जान हो गए हों बता सकती हो यह सब क्या था मनु ने कुछ ना कहा और ब्रश रखकर बिस्तर पर बैठ गई कुछ छड़ों प्रांत अपनी और एक पत्रिका सरका कर वह बोली मेरे पास तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं उत्तर तो तुम्हें तो देना पड़ेगा मनु आनंद का स्वर एकाएक कठोर हो गया उसने सिगरेट एस्ट्रे में डाल दी और मनु के पास आकर उसे घूरते हुए बोला इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो तुमने विवाह किया है मुझसे तुम चाहो तो इस संबंध को तोड़ सकते हो क्या आनंद के चेहरे पर यह सुनते ही सन्नाटा फैल गया मनु की ओर से ऐसे उत्तर की आशा ना थी उसे क्षण भर मौन रहने के उपरांत वह घृणा से बोला मैं मैं इस संबंध को तोड़ दूँ हाँ मनु दृढ़ता से बोली यदि हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं तो फिर यह ठीक रहेगा और उस प्यार का क्या होगा कौन सा प्यार वही जो तुमने मुझसे किया था वह एक भूल थी मेरी यदि मुझे पता होता कि तुम इतने गंदे इंसान हो तो मैं कदापि तुम्हें और अपनी ओर बढ़ने का अवसर न देती गंदा कौन है तुम या मैं तुम पत्रिका के प्रश्न पलटते हुए मनुर्दृढ़ता से बोली क्योंकि तुमने जिसे प्रेम किया उसी को शक्की नज़रों से देखा किंतु तुमने तो जिससे प्यार किया उसी के साथ विश्वासघात किया मैंने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया प्रेम किसी से और विवाह किसी से क्या यह विश्वासघात नहीं अपने पति को धोखा देकर गैरों के साथ घूमना क्या यह विश्वासघात नहीं नहीं, मैं इसे विश्वासघात नहीं मानती निखिल मेरा मित्र है और मित्र के साथ घूमना कोई पाप नहीं होता मित्र के साथ वासना का खेल खेलना तो पाप होता है यू अप आनंद मनु एकाएक गुस्से से चीख पड़ी और हाथ में थामी पत्रिका को पटक कर बोली जुबान को लगाम दो अपनी शर्म आनी चाहिए तो ऐसे गंदे घिनौने शब्दों का प्रयोग करते हुए आनंद ने घृणा से दांत पीस कर कहा शर्म तो मुझे वास्तव में आ रही है मनु शर्म मुझे मांडका में भी आई थी और सागर सरोवर के निकट भी किंतु मैं फिर भी इतना बेशर्म निकला कि चुपचाप वहां से चला आया मेरे स्थान पर कोई और होता तो ना जाने वे क्या कर बैठता तभी बातों का सिलसिला रुक गया गोपीनाथ कमरे में आ गए थे उन्हें देखकर आनंद कमरे से बाहर चला गया मनु फिर से पत्रिका के प्रश्न उलटने लगी गोपीनाथ ने उसे गुस्से में देखा तो बोले क्या हुआ आनंद से झगड़ा हो गया नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ पापा मनु ने बात को छुपाया वह सब बताकर वह अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी कुछ तो हुआ है आनंद भी गुस्से में था मनु को कहना पड़ा आनंद साहब को मेरा निखिल से मिलना जुलना पसंद नहीं क्यों वही जाने मैं निखिल के साथ घूमने चली गई तो उसका पारा चढ़ गया आनंद तो ऐसा ना था मैंने ही उसे समझने में भूल की कोई बात नहीं मैं उससे बात करूँगा गोपीनाथ ने कहा फिर कुछ सोचकर बोले गाड़ी चलाई थी हाँ मैं वरियानी के पास जा रहा हूँ गाड़ी ले जाइए सोच तो यही रहा था चाबी तो आपके पास होगी हाँ खाने के समय तक तो लौट आओगे मनु ने पूछा कोशिश करूँगा गोपीनाथ ने क्लॉक में समय देखते हुए कहा और बाहर चले गए मनु उठी और खिड़की के सामने आकर बाहर का दृश्य देखने लगी काली काली घटाएं अब पूरे आकाश पर फैलती जा रही थीं फिल्म तैयार हो चुकी थी उसका प्रिंट देखकर निखिल ने अनमने ढंग से कहा ठीक है पाशा उसे ध्यान से देख रहा था फिर जब निखिल ने अपने लिए शराब का ग्लास तैयार किया तो पाशा उससे बोला सर क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं क्यों माफ़ करें सर आज आपके चेहरे पर वो रौनक नहीं मैं आपको दोपहर से ही परेशान देख रहा हूँ हाँ हम हाँ, वास्तव में परेशान हैं पाशा निखिल ने शराब का घूट भरा और पाशा से कहा जानते हो क्यों नो सर यदि मैं जानता तो आपसे ऐसा प्रश्न नहीं करता हमारी परेशानी का कारण है शिल्पा मैं समझ गया सर शिल्पा नौकरी छोड़कर चली गई इसलिए किंतु मैं तो इसे परेशानी जैसी बात नहीं समझता हमारी फिल्म कंपनी में ऐसी कई लड़कियां काम कर रही हैं जो शिल्पा से भी अधिक सुंदर हैं आप कहें तो मैं कामनी मधु प्रिया किसी को भी आपके पास भेज दूँ नहीं मिस्टर पाशा नहीं सर पाशा बोला आज एक लड़की और आई थी नाम है जानू बनर्जी बंगाली है किंतु हुस्न मैं सच कहता हूँ सर उस जैसी लड़की आपने पहले कभी ना देखी होगी विशेषकर उसकी आंखें और ओठ तो इतने सुंदर हैं कि पूछिए मत वह हमारी फिल्म में काम करने को तैयार है मैं अगली फिल्म उसी को लेकर बनाना चाहता हूँ आप कहें तो उसे फोन कर दूँ निखिल ने स्वर झुंझलाकर कहा मिस्टर पाशा आप गलत सोच रहे हैं शिल्पा हमारी परेशानी की वजह है किंतु इसलिए नहीं कि वह नौकरी छोड़कर चली गई है बल्कि इसलिए कि वह हमारे छोटे भाई से शादी कर रही है वॉट पाशा चौंक कर बोला यह कैसे हो सकता है सर एक बाजारू लड़की आपके घर की बहू कैसे बन सकती है आप तो जानते ही हैं सर कि जो लड़की किसी एक के बिस्तर पर सो सकती है वह किसी के भी बिस्तर पर सो सकती है मैं ऐसी लड़कियों को वैश्य मानता हूँ और एक वैश्य को कोई अधिकार नहीं कि वह किसी के घराने की बहू बने आपको उन लोगों से बता देना चाहिए कि हमारा उन लोगों से कोई संबंध नहीं संबंध नहीं फिर तो आपको यह सब भूल ही जाना चाहिए सर वे लोग कुछ भी कहें पाशा ने कहा फिर उसे एकाएक एक अपनी भूल का एहसास हुआ और वह बोला सॉरी सर असली बात तो यह है कि जिस लड़की के साथ आप कई रातें गुजार चुके हैं वही आपके छोटे भाई की पत्नी बन रही है मेरा ख्याल है आप इसे पाप मान रहे हैं वैसे तो आज की दुनिया में सब कुछ चलता है सर किंतु हिंदू परिवारों में ऐसा कभी नहीं होता लेकिन लेकिन आप शिल्पा को तो समझा सकते हैं शिल्पा अपनी जिद पर अड़ी है निखिल ने कहा और गिलास खाली करके सिगरेट सुलगाने लगा ब्लैकमेल कर रही है वह आपको पाशा बोला मैं इस किस्म की लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ कोई इनसे एक बार मिल ले उसके बाद से उसका जोंक की तरह खून पीती हैं बम्बई में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था एक लड़की थी अच्छी थी मैं उसके चक्कर में फंस गया मैंने उसके साथ सिर्फ तीन रातें गुजारी और चौथे दिन एक लिफाफा मेरे पास भेज दिया उसमें मेरी तस्वीरें थीं और साथ में था एक पत्र किंतु मेरा क्या बिगड़ता अकेला था ना बीवी ना बच्चे मैंने भी कह दिया कि करो बदनामी बात खत्म हो गई मगर यदि बीवी होती तो फांसी का फंदा गले पड़ जाता मारे जाते पाशा मियाँ कहकर पाशा धीरे से हंस पड़ा निखिल ने बातों का विषय बदलकर पूछा पंकज आया था यस सर स्क्रिप्ट कब मिलेगी कल आ जाएगी परसों से शूटिंग का काम शुरू कर दो ठीक है सर किंतु वह लड़की कौन सी लड़की निखिल ने पूछा जानू बनर्जी पाशा ने बताया तुम उसे फिल्म में लेना चाहते हो सर लड़की अच्छी है विशेषकर आपके लिए खैर फिल्म के डायरेक्टर आप हैं जैसा उचित समझे वैसा करें थैंक यू सर इसके पश्चात पाशा चला गया और निखिल अपने लिए फिर से शराब का गिलास भरने लगा उसी समय फ़ोन की घंटी बजी निखिल ने रिसीवर उठाया दूसरी ओर से बनू की आवाज़ सुनाई दी निक्की मैं बनु बोल रही हूँ कैसी हो अच्छी नहीं हूँ निक्की क्यों क्या हुआ निखिल ने चौंकर पूछा आनंद से झगड़ा हो गया मेरी समझ में नहीं आता तो मुझे निभाओगी कैसे निभेगी तो नहीं निक्क्की झगड़ा किस बात पर हुआ आनंद हमारा पीछा करता हुआ सागर सरोवर तक पहुंच गया था और उससे पहले मांडका भी गया था वॉट निखिल चौंककर बोला वह दार्शनिक है अथवा जासूस पूरा जासूस है इसका मतलब है कि वह अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका है हाँ फिर तो बात बहुत आगे बढ़ गई होगी अभी तो उतनी नहीं बढ़ी किंतु बढ़ जाएगी क्या करोगी मैंने फैसला कर लिया है मैं उससे संबंध तोड़ दूंगी फ़ोन पर मनु की आवाज़ सुनाई पड़ी बस एक ही शंका है मन में वह क्या मैंने आनंद से संबंध तोड़ लिए और तुमने मुझे स्वीकार ना किया तो कैसी बातें करती हो मनु मैं तो तुम्हारी राह में पलके बिछाए बैठा हूं हर पल प्रतीक्षा कर रहा हूं तुम आकर तो देखो तुम्हारे आने से तो मुझे संसार भर की खुशियां मिल जाएंगी आ जाओ ना बनू मैं आऊंगी निक्की मैं जरूर आऊंगी आज ही आ जाओ ना बहुत उदास हूं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं अपने आप को तुम आ जाओगी तो बहुत चैन मिलेगा नहीं निक्की अभी स्थायी रूप से आना संभव नहीं थोड़ा समय लगेगा पापा से भी कहना पड़ेगा तुम आज थोड़ी देर के लिए भी नहीं आ सकती नहीं बाबा आज नहीं आनंद घर पर ही है कल वह कॉलेज जाएगा तब देखूंगी। किस समय दस और चार बजे के बीच वहीं तुम्हारे स्टूडियो में ओके ओके निखिल ने कहा और एक निश्वास लेकर रिसीवर रख दिया उसके चेहरे पर अब पहले जैसी उलझने न थीं तो दोस्तों इस प्रकार राजवंशी द्वारा लिखित अभिशाप का दूसरा भाग समाप्त हुआ आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स सभी को बताइए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि नावल आपको कैसा लग रहा है धन्यवाद